नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। आज हमारे देश का माहौल ऐसा है कि चुनाव किसी भी प्रदेश में हो, देश का नागरिक ये जानना चाहता है कि उस प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या कहती है वहां की राजनीति। आज हमारे दरमियान एक ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ ही नहीं पत्रकारिता में भी उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हर गांव, हर पंचायत, हर तहसील, हर जिला में जमीनी स्तर पर जाकर उन्होंने लोगों के साथ काम किया है। हरियाणा में उम्मीदवार को चाहे लोग कम पहचानते हो, लेकिन इनको ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के बीच में रहकर पत्रकारिता के तौर पर काम किया है। इनकी इन्हीं सेवाओं की वजह से 2013 में पंजाब सरकार ने भी इनको पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया था। आइए आपको मिलाते हैं अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर जो है स्वातिक शर्मा उनसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश के स्टूडियो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज हरियाणा में चुनाव का दौर है, विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। इस बार का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों इंडिकेशन दिया कि वो जो उम्मीदवारों की सूची है वो सबसे पहले जारी करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हुआ, एक सूची जारी की गई, उसके बाद दो घंटे के बीच बीच सूची को वापस लिया गया और उसमें फिर बदल किया गया। तो हरियाणा में अगर सूची थोड़ी सी डिले हो रही है, तो कहीं इसमें भी ऐसा तो नहीं है कि कुछ पुराने विधायक हैं जो उनके नाम कट रहे हो, या कुछ नए जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर दाव खेला जा रहा हो, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए, पीछे लोकसभा में जो आपने विश्लेषण किया था वो काफी स्टीक रहा था, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुराने विधायकों के नाम कट सकते हैं और नए पर दाव खेला जा सकता है। सबसे पहले हम अगर बात करें अंबाला से, मैं बात करूंगा दिल्ली रोड की या पंजाबी बेल्ट की बात करूंगा, तो उसके बारे में बताइए कैसा समीकरण बन सकते हैं। देखिए जिंदर जी, जैसे आपने कहा है कि किसी भी नेशनल पार्टी के लिए विधानसभा और लोकसभा के कैंडिडेट चुनना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जी। रही बात हरियाणा की डिले नहीं हो रही, लिस्ट डिले नहीं हो रही, लेकिन उस पर वो सर्वे करें कि वो चाह रहे हैं हाईकमान भी कि कोई भी मिस फायर ना हो जाए। नहीं, डिले से मेरा मतलब क्योंकि अभी क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अनाउंस किया था बहुत जल्दी बात ठीक है, लेकिन उसमें हम ये कह सकते हैं इनकी मीटिंग हुई हरियाणा के चुनाव प्रभारी यहाँ पर आए, धर्मेंद्र प्रधान है, वो सह प्रभारी की मीटिंग हुई। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है किसी भी नेशनल पार्टी के लिए, स्टेट जो होती है इकाई वो मीटिंग करती है, उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, फिर वो संगठन बीजेपी का थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसमें संगठन मंत्री आरएसएस की बैठते हैं और हम आरएसएस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद वो पैनल बनाकर जो अपने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजते हैं, वहां पर डिसीजन होता है, वहां पर भी एक एक जो कैंडिडेट होते सर्वे किया जाता है कि वाकई कोई मिसलीड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा डिले हो रहा है जी। हाँ जी, चलो, तो डिले तो हो रहा है, लेकिन अभी मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये है कि क्या जो पुराने कुछ विधायक हैं जो पिछले 10 साल से मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनके नाम पे कहीं ना कहीं कैंची चल सकती है, या कुछ नए उम्मीदवारों पे इस समय उम्मीद जो है गेम खेली जा सकती है, उन पे कुछ भरोसा जताया जा सकता है? देखिए, आपने प्रश्न भी किया, उसमें काफी बीच में आंसर भी दे दिया जी। अब ये हाईकमान देखेगा, इन्होंने अपना पैनल बनाया, जो क्या तो स्टेट बीजेपी ने क्या किया, अपना पैनल बनाया, अपने जो निचले से जिला अध्यक्ष होते हैं उनको का पैनल दे दो, सभी कॉन्स्टिट्यूशन का पैनल में 2-3 नाम दिए जो अब जा रहे हैं, जो पहले तो काफी आवेदन आए उसका नाम दे, उसके बाद उनमें वो देख रहे हैं कि कौन सा एलिजिबल कैंडिडेट है जो वाकई एमएलए की सीट निकाल दे। और आपको एक बात और बता दूं, ये नहीं होता कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 90 सूची दे दी है कि वही वो एमएलए बनेंगे, उनमें से कम लोग बनेंगे एमएलए बनेंगे, लेकिन उनका मकसद है कि जो हम दें बिल्कुल ठीक तरीके से, ये ठीक है। डॉक्टर साहब, पंचकुला से लेकर पानीपत तक ये जो बेल्ट है, ये एक तरह से इसको पंजाबी बेल्ट कहते हैं, क्या लगता है कि इस बेल्ट में पुराने चेहरे रिपीट होंगे या नहीं? हाँ, मैं आपको बताता हूं, हरियाणा में इसको जीटी रोड बेल्ट भी कहा जाता है जी, और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम कहें आत्मा, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये हमारा सेफ जोन है, तो नेचुरली सेफ जोन में तो भारतीय जनता पार्टी एक एक कैंडिडेट को फूक फूक कर कदम रखेगी एक एक कैंडिडेट पर, और इस एरिया में कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बात करें, जैसे पंचकुला हो गया, कालका, ये एरिया आते हैं पंचकुला, कालका, घरोंडा, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, कुरुक्षेत्र, थानेसर, लाड़वा,
ये एरिया और पेवा पेवा जाता है अंबाला शहर, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सेफ जोन मानते हैं, क्योंकि जो भी पिछले अगर आप देखोगे लोग अपने इलेक्शन देखोगे जो भी आप ना करनाल भी करनाल जो मुख्यमंत्री करनाल है तो हाँ करनाल सारा हाँ ये सारा ना बीजेपी का सेफ जोन है जी जी, और कोई भी पार्टी सेफ जोन को और सिक्योर करना चाहती है उसके लिए अगर मौजूदा एमएलओ को टिकट काटनी पड़े, मौजूदा एमएलए नहीं अगर मंत्रियों को टिकट काटनी पड़े तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये होगी उनकी टिकट काट दी जाए। डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये जो एरिया है जिसको पंजाबी बेल्ट कहते हैं या आप जीटी रोड बेल्ट कह रहे हैं भी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ जोन है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो प्रचार हो रहा है जगह जगह कि वो विकास कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है, 10 साल से ये यहाँ पे सत्ता में है, तो फिर इनको फूक फूक कर कदम रखने की क्या जरूरत है, इनका सेफ जोन है ये। डॉक्टर साहब सेफ जोन का मतलब होता है भी वहां बिल्कुल सिक्योर है वो, सेफ जोन आपने कहा कि वो उनका सेफ जोन है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उनका वो सेफ जोन है तो उनको वहां फूक फूक कर कदम रखने की क्या जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं सेफ जोन हमने क्यों कहा, पहले ये होना चाहिए कि हमने ये कहा कि सेफ जोन उसका कारण अगर आप एनालाइज करें लोकसभा के इलेक्शन देखें तो उसमें देखिए करनाल सीट आई है ठीक है ना, ठीक है तो वहां की विधानसभा सीटें देखिए कुछ जगह पर हारी की कुछ भी पार्टी के ऐसे होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है जिसको पार्टी समझती है, लेकिन सेफ जोन ना सेफ जोन है जनता डिसाइड करती है बिल्कुल, लेकिन जो सेफ जोन का कहती है जो भारतीय जनता पार्टी वो अपनी पुरानी जो परफॉर्मेंस है उसको देकर कर रही है। अब आप कह रहे हो कि फूक फूक कर कदम क्यों रख रही है, देखिए सबसे पहले जो चीज होती है जंग में उसको बचाने की कोशिश की जाती है, वो तो हमारे पास हो जी जी ठीक है ना, उसके अंदर अगर कुछ चेंजिंग करनी तो पार्टी उसको कर सकती है। डॉक्टर साहब आप कह रहे कि उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हाँ। कुछ मंत्रियों के नाम कर सकते हैं या मौजूदा विधायकों के नाम, क्या आपको लगता है इससे, क्योंकि जो ऑलरेडी काबिज है गद्दी पर वो क्यों अपनी गद्दी छोड़ना चाहेंगे, क्यों डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है, डेमोक्रेसी आप बिल्कुल सही करें, लेकिन होता क्या है कि संभावित नामों में जब नाम आता है तो जो ऑलरेडी अपना एक कैडर बना के बैठा है, जो ऑलरेडी अपने एरिया में काम कर रहा है तो वो चाहता है कि टिकट उसे ही मिले, तो आपको नहीं लगता कि उससे बगावत हो सकती है। आपने बहुत अच्छी बात की, देखो इलेक्शन कोई भी खड़ता है, अगर कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ता है वो भी कहता है मैं जीतूंगा जीत, लेकिन जीतने का पैरामीटर जनता और सर्वे डिसाइड करती है बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि जैसे सभी पार्टियां नेशनल पार्टी सर्वे कराती है तो सर्वे एक उस एजेंसी के जाता है जो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, जो पैनल जाते हैं वो सर्वे के आधार पर ही जाते हैं, ये नहीं कि जो पैनल चलेगा उसी में मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सर्वे किया, आप जेएनके की बात की जी, जेएनके में क्यों लिस्ट हुई है चेंज, उसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने लिस्ट भेज दी जो उन्होंने सर्वे कराया उससे मैच ना कर, लिस्ट सर्वे से पहले भेज दी गई, ये भी हो सकता है ऐसा, अभी तो आप यानी कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि स्टेट बीजेपी और केंद्र में तालमेल की कमी रही है। अब इसके बाद चलो आप, हमने बात की जीटी रोड वाले इस जोन की बात की है, इसके बाद मैं बात करता हूँ जाटलैंड की, इसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये हमारे सेफ जोन है जी, जैसे अब लोकसभा के जो इलेक्शन थे उसमें पंचकूला से गिर गई पता है, उसके बाद कालका से गिर गई, अंबाला कैंट से गई, कुछ जगह से लीड नहीं गई, लेकिन जो सीटें लीड गई है पार्टी उसको सेफ जोन मानती है ठीक, सेफ जोन मानना है, एक होता अपनी तरफ से कहना, एक होता कि चुनावी जो आपकी परफॉर्मेंस है लोकसभा की उसके व्यापार पर आप देखना कि जो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट जो नतीजे रहे हैं वो भी मैटर करेंगे, जो डेफिनेटली टिकट जब बांटे जाएंगे बनने, तो आपने जो सेफ जोन बात की है आप यहां पे ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कि सेफ जोन में नायब सिंह सैनी जी करनाल से सीट लड़ी थी वो वहां से उठकर लाड़वा क्यों आ गए, हमेशा जंग में राजा को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि आप देखना जो करनाल जो सीट थी वो लोकसभा के साथ एक बाई इलेक्शन था, हाँ बिल्कुल बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में फर्क होता है बिल्कुल ठीक है, और उसमें आपने देखना कि हम जो गए थे वहां पर करनाल में हमने अर्थ प्रकाश को पूरी सर्वे भी दिखाया था कि वहां पर ये स्थिति है, लेकिन उसके बाद आप देखो फिर भी खट्टर साहब जीत गए, क्यों जीत गए, इसका तो सेफ जोन है वो एरिया, तो अगर उनको अब कर रहे हैं इसका तो बीजेपी ये सोच रही है कि
जो सैनी बेल्ट है, लार्वा सैनी बेल्ट है, वहां से करनाल से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन ये नहीं करनाल सेफ जोन में नहीं है। आप भी बात समझे, मैं करनाल सेफ जोन में है, लेकिन उन्होंने कहा और सेफ जोन डाल दे करनाल में, जो हमारे कैंडिडेट है उनको एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट है, ये नहीं कि वहां से आए हैं। हाँ जी, और बोलिए। हरियाणा को कई सारे भागों में बांट देते हैं हम, जैसे जाटलैंड की बात करते हैं, हिसार, सिरसा, भिवानी, झज्जर, कैथल, ऊपर के जो एरिया है वो सारे इनको जाटलैंड कहते हैं। और वहां पे जनरली क्या होता है, बीजेपी जो है, अगर 2014 के विधानसभा इलेक्शन को देखें, 2019 के विधानसभा इलेक्शन को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं जो वहां पे जीत नहीं पाए हैं वहां पे, तो वहां पे किस तरह की रणनीति इस बार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है? हाँ, वो हुआ, मैं आपको बताता हूँ। उस जगह पर जो मौजूद, पहले हम बात करेंगे सिस्टम से बात करेंगे, हाँ, ताकि हमारे दर्शकों को इजिली समझ आ सके बिल्कुल ये कहानी क्या है, इसलिए पार्ट कौन से सर्वे हो रहे हैं, अगर डिले हो रही है तो पैनल के नाम है वो क्यों नहीं डिस्कस हो रहे, तो आगे जो चीफ पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग होगा क्या डिस्कस होगा। मेरा जो मकसद है, मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये चीज समझ आए कि हरियाणा को कितने कौन कौन से जोन में जनरली बांटा गया है और हर जोन का क्या एनालिसिस है। मैं बात करता हूं, हर विधानसभा सीट से चाहे वहां पर बीजेपी का एमएलए हो चाहे ना हो, तीन तीन नाम गए हैं। तो उसके बाद जैसे पंचकुला की बात करते हैं, अब पंचकुला में भी तीन चार नाम गए, पांच सात नाम गए, उसके बाद जो तीन गए हैं नाम, तो उसमें अब पार्टी देखेगी ज्ञानचंद जी सेफ है। हाँ, क्योंकि अगर यहां पर नया चेहरा उतारेगी तो बीजेपी नया चेहरा उतारना चाहती है, लेकिन नए चेहरे तब उतारने चाहिए जो वेव हो, लेकिन अब वो वेब नहीं है, लेकिन तो इसमें वो ज्ञानचंद गुप्ता कद्दावर नेता है, उनकी सीट सेफ है, उनकी सीट सेफ है, उनकी परफॉर्मेंस देखो, दो बार जीते हैं, तीसरी बार जो लोकसभा का चुनाव भी है तो वहां पर उनका हक बनता है, इसलिए वो अभी ग्रीन जोन में है, उनकी सीट सुरक्षित है। आपके हिसाब से पंचकुला सीट है वो ज्ञानचंद गुप्ता के लिए, क्योंकि आप ये देखो ना उनका पिछला देखिए, पिछले इलेक्शन में चंद्रमोहन जी को हराया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो समीकरण बनते हैं पार्टी, देखो ये नहीं होता कि पार्टी ने अगर सूची जारी कर दी सबके साथ एमएलए बनेंगे, लेकिन एक अनुमान से, एक विश्लेषण से, एक डिस्कशन से उसके साथ वो आगे का स्टेप उठाते हैं। बिल्कुल, अब आप बताता हूँ अंबाला सिटी के बारे में, अंबाला सिटी में असीम की सीट है, डामाडोर हो रही है वो सीट, वो डामाडोर, क्योंकि अगर वहां से विनोद शर्मा जी आए थे तो असीम की सीट डामाडोर। ओके, अब हम बात करेंगे कौन कौन से मिनिस्टर हैं जिनको आप कह रहे थे ना मिनिस्टरों की भी टिकटें करें, बेशक मिनिस्टरों की टिकटें करेंगी, लेकिन उन मिनिस्टरों की टिकटें करेंगी जो पिछले पांच साल से काम कर रहे हैं, एंटी इनकम्पेसी उनके पति है, जो तीन तीन महीने पहले मिनिस्टर आए हैं उनके पति एंटी इनकम्पेसी हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप बात करें हरियाणा की, अगर मैं शहरी सीट की बात करता हूँ, हरियाणा सिटी की बात करता हूँ, तो वो तो तीन महीने पहले प्रधानमंत्री बने असीम गोयल तो। हाँ, लेकिन बात सुनिए ना, वहां पर एडजस्टमेंट है, आप ये देखिए ना, अगर विनोद शर्मा एक बहुत कद्दावर नेता है, पुराने नेता है, उनका लड़का इंडिपेंडेंट, जो एक इतिहास हुआ हरियाणा के अंदर, एक इंडिपेंडेंट राज्यसभा का मेंबर इलेक्टेड होके गया है, तो अगर उनको वो सीट की दावेदारी करते हैं तो बीजेपी हाईकमान क्यों नहीं सोचेगी? बिल्कुल ठीक है, वो एडजस्टमेंट है, तो उसमें असीम को फिर पार्टी के लिए त्याग देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अनिल विज की। देखिए पार्टी के अंदर देखो, जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है इलेक्शन का, आपसी मतभेद हो सकते हैं जो देखो संगठन से बढ़ेंगे। हाँ, अनिल विज की सीट की मैं बताता हूं, ये वो स्थिति थी जैसे क्रिकेट मैच में ना बॉल आती है आउट स्विंग, प्लेयर अपील कर देते हैं आउट आउट आउट, कीपर के हाथ में जाती है, लेकिन थर्ड बार के पास थी कि ये पल्ले से टच हुए कि नहीं, ये स्थिति आ गई थी, लेकिन थर्ड बार ने देखा कि ये नॉट आउट है तो इसको भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड शायद हरियाणा में अनिल विज के पास। अनिल विज जी एक जमीन से जुड़े नेता है, बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो सेकेंडरी बात है, मिनिस्ट्री से उतर गए वो सेकेंडरी, लेकिन उनकी सीट को सेट नहीं कर सकते, अपील की थी कि आउट, लेकिन हाईकमान के जो थर्ड पा रहा है वो उनको नेटवर्क दे देगा। और आपको ये भी बता देता हूँ, पहले एक से लेकर पांच का जो क्रमांक होगा उसमें अनिल विज का नाम पक्का होगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से अंबाला कैंट की जो सीट है वो ग्रीन जोन में है, सेफ है अनिल विज। हाँ, अनिल विज पर दाव खेला जाएगा, क्योंकि आप पुराना एक्सपीरियंस देखिए ना, पिछली बार अनिल विज को इंडिपेंडेंट जीत गए तो पार्टी क्यों पंगा लेगी, जिसको जीती गई सीट मिल रही है तो वो ऐसे करनाल की सीट से कौन हो सकता है? आपको करनाल से संजय भाटिया जी का नाम है। अच्छा,
जो करनाल की संभावित है, संभावित कह सकते हैं। मेन नाम तो देखो जो सोशल मीडिया पर जो चल रही है लिस्टें आ रही हैं, फेक लिस्टें आ रही हैं, ये अनुमान होता है, हम भी यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान है। देखो मेन तो जो चीफ अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्र का बैठेगा, वहां पर आरएसएस के लीडर बैठेंगे तो वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद लिस्टें उसको माना जाता है। लेकिन जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से 19-21 हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि 8 और 21 का फर्क। अच्छा उसके बाद सुनो, हरिंदर कल्याण भी ठीक है, हरिंदर कल्याण की सीट कैसे सीट है? हाँ, कुछ या, हाँ, मैं बिल्कुल हाँ, कुछ हाँ, 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 ग्रोंडा से रोड जो कास्ट है हाँ, वो उनका बहुबल है, ये नहीं कि उसके ढब्बल कौन खड़ेगा, ये सेकेंडरी बात है, बीजेपी अपनी तरफ से देख रही है। और जो अब इनके विधानसभा के देखा जाए उसमें से वो सीट में आ रहे हैं। अच्छा मेन क्लेश पड़ेगा रादौर की सीट पर। अच्छा हाँ, रादौर की सीट पर क्लेश इसलिए पड़ेगा क्योंकि पिछली बार करणदेव कंबोज जी को इंद्री से रादौर शिफ्ट किया। हाँ ठीक है, जो यहाँ के राणा से एमएलए थे वो पार्टी छोड़ के चले गए, अब वो पार्टी छोड़कर फिर बीजेपी में आ गए, अब वो वहां पर दावेदारी कर रहे हैं। उनका दावा भी ठीक है कि मैं जीता हुआ था, टिकट काटी थी, उसके बाद करणदेव कंबोज जी हार गए वहां से, तो वहां की दावेदारी और मजबूत, दावेदारी मजबूत है। लेकिन अब अगर इनको राणा जी को रादौर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर रादौर वाली सीट जो है वो इंद्री में चल जाएगी, करणदेव को मोदी को कर देंगे। अच्छा कुछ सीटें ऐसी जिसमें ना डाउट है पार्टी को। आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं, मेरा सवाल था जिसका अभी तक जवाब मुझे नहीं मिला, मेरा सवाल था अगर कुछ मौजूदा विधायक या मंत्री उनकी टिकट कटती है तो क्या लगता है कि बगावत नहीं होगी अंदर से? हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको, बहुत जो एनालाइज की है, हम बैठे एनालाइज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान बगावत का मौका नहीं देगा। आपको बता संगठन मजबूत है, संगठनात्मक ढांचा इनका जो है वो बनाता है, आप क्यों कहना चाहते हैं? मैं बताता हूं, पार्टी का कैडर वोट होता है, एक पार्टी से साइलेंट वोट भी है आरएसएस का, 36 संगठन काम कर रहे हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी का आरएसएस से तालमेल ठीक हो गया फिर विरोध होता है, क्योंकि वहां पर अब जो पिछली बार राजनाथ जी के घर में मीटिंग हुई थी जी, आरएसएस के भी सभी आए थे जो सीनियर हैं, उनसे बाकी तालमेल करने की मीटिंग हुई, उस तालमेल में यह कि वो जो अब उसके बाद स्टेटमेंट आई है न्यूज़पेपर में कि आरएसएस की भी रजामंदी ली जाएगी, कुछ एरिया हरियाणा में ऐसे जहां पर आरएसएस काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, जैसे आपका होगा ये जगाधरी जी, यमुनानगर, इस एरिया में आरएसएस स्ट्रॉन्ग है, तो यही है कि बाकी एरिया में भी उनकी राय ली जाएगी, ताकि राय ली जाएगी उसके बाद वो बताएंगे कि कौन सी कैंडिडेट ठीक है उसके हिसाब से काम। डॉक्टर साहब एक मेरा और सवाल है, सवाल थोड़ा सा हो सकता है इससे हटके हो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा एक परिवार एक टिकट, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी में बड़े सक्रिय हैं, बड़े परिवार हैं, एक से ज्यादा टिकट की मांग कर रहे हैं, परिवारवाद के ऊपर क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि किस तरह के विश्लेषण, आपका विश्लेषण क्या कहता है उस पे? देखिए आप परिवारवाद को क्या समझते हैं पहले ये बताइए। परिवारवाद से मेरा मतलब है कि एक परिवार में एक तो होता है कि पीढ़ी चलती है, वो तो कैडर वोट हो जाता है, चलो एक पीढ़ी है, बाप था उसके बाद बेटा था, वो तो पीढ़ी है, एक परिवार में चार लोग दावेदार हो जाते हैं एक ही उसके लिए, अलग अलग जगह से अलग अलग सीट से, आपने वो कहते हैं जी कि हम लोग ये हमारा जिला है और इसमें हमारी 4 या 5 विधानसभा सीट्स हैं और इसमें से 2 या 3 सीटें हमें दे दी जाए, बाप को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए, बहू को भी चाहिए, उसमें से 2 या 3 उसको कहता हूँ परिवार को। परिवारवाद में 2-3 सीटें नहीं मांगते जी, वो अपने बच्चों के लिए जी, जैसे लड़की के लिए मांग रहे हैं जी, कुलदीप बिश्नोई जी अपने लड़के के लिए मांग रहे हैं और किरण चौधरी अपनी लड़की के लिए मांग रहे हैं जी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, किरण चौधरी की अगर बात करूं तो उनको तो राज्यसभा की तरफ उन्होंने वो भी दिया उसके लिए, कहीं ना कहीं श्रुति जो है वो दावेदार बनती भी है और उनका उनका टिकट बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बने, आईएएस का लड़का आईएएस बने तो परिवारवाद, लेकिन अगर नेता का लड़का नेता बने वो परिवारवाद है। आप अब मैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं इसका बात कर रहा हूं। देखिए हर पिता का एक अंदर से होता है जो प्रोफेशन मेरा है वो मेरे बच्चे का हो, ठीक है? अब राजनीति नहीं
अगर नेता का लड़का एमएलए बनता है तो वो भी जनता द्वारा चुना होता है, संविधान में उसको राइट दिया ना। लेकिन हम किसी को ये कह दें कि तेरा फादर एमपी था तुझे टिकट देनी, ये गलत है। लेकिन हाई सभी पार्टियों को एक बात आपको दूसरा आंसर दूंगा जो आपका सवाल उसका आंसर दूंगा, सभी पार्टियों को नेशनल पार्टियों को ये डिसाइड करना चाहिए कि अगर किसी नेता का लड़का वाकई एलिजिबल है तो अगर कोई दूसरा बच्चा वहां पर उस नेता के लड़के से ज्यादा काबिल है तो अपने नेता वो नेता पार्टी के लिए अपनी लड़की की कुर्बानी दे और उसको टिकट दे। ये मैं लेकिन लेकिन उन बच्चों का अधिकार, उनका अधिकार है बच्चों का, नेता का लड़का मतलब ये नहीं कि वो उसका गुनाह हो गया उस घर में पैदा लिया पैदा हुआ, लेकिन उस अधिकार को लोग भी मानोगे, उनका अधिकार है जो संविधान ने दिया, लेकिन वो अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब विश्लेषण की बात हमने की, मैंने आपसे पहले ही बात की हरियाणा को कई सारे जोन में लोग बांटते हैं, जैसे कुछ एरियाज मैंने कहा जाट बहुल एरियाज हैं, जैसे पीछे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि सिरसा भिवानी रोहतक झज्जर जींद जो आप कह रहे हो ना कि नए चेहरे आएंगे वो ऐसे होगा, वो जीटी रोड में नहीं होगा, वो होगा इंटीरियर में, मेरी बात समझ गए। लेकिन वहां आपको पता है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि 2014 या 2019 के जो नतीजे हैं उनको आप देखिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात हुए हैं वहां पे। लेकिन बात सुनिए भाजपा आपने सब सोचे, अगर जनता ने भी सोचना है ना वो कितने ठीक है कितने का, तो जनता फैसला करेगी ना। आगे कांग्रेस के भी आएंगे वहां पर, ये तो नहीं कि वो कांग्रेस के लीडर नहीं आएंगे, नेहलो भी खड़ेगी जजबा खड़े उनका ही वोट बैंक। तो ये मैं हम जो बात कर रहे हैं वो बीजेपी के फ्रेमवर्क की कर रहे हैं, वो डिक्टे किस तरीके से देगा वो उसके अंदर वहां पर डिक्टे करेगी, बातें करेगी आपको बता देता हूं। खैर अच्छा अब क्या बताता हूं, अब हिसार की बात करें तो हिसार में कमल गुप्ता जी के खतरे में, बिल्कुल खतरे में है टिकट 100% वहां पर स्मृति जिंदा जी आ गए। अब आप ये कहोगे कि दो दिन पहले आगे ये आगे, देखो कहोगे आप, अब ये बताइए राजनीति में मोह माया दूर हो जाती है, मोह को साइड करना पड़ता है। अच्छा नवीन तब लाया सी निकाल गया, ये भी देखना पड़ना है 46 का आंकड़ा कंप्लीट करना, उन्होंने भाईचारा तो निभाना नहीं है 46 का आंकड़ा। अगर आप कह दोगे हाईकमान को आज कह दो कि मैं 46 लेकर आऊंगा बंदे, वो सबके नाम काट देंगे, आपको कह देंगे आ जाओ जी सही है कि आप भी हमें स्वीकृति जिंदल की सीट भी टोटली ही ग्रीन जोन में है इस वक्त। ओके खैर डॉक्टर साहब बहस बहुत लंबी हो जाएगी, जो डिस्कशन है ये आने वाले दिनों में भी हम जारी रखेंगे, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली ये विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग कि ऐसा हो सकता है। सो दोस्तों डॉक्टर साहब मेरे साथ आने वाले दिनों में भी बने रहेंगे और आप भी लगातार इन विश्लेषण को इन सब चीजों को जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। धन्यवाद।